हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज भिवाड़ी यूट्यूबर अंजू ब्लॉगर। और मैं यहाँ पे ना पोहे तल रही थी बच्चों के लिए, स्नैक्स के लिए यहाँ पे पोहे तल रही थी। तो बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैं यहाँ उनके लिए पोहे तल रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी नमकीन सी बना देती हूँ इसी से, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं ये, एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसमें बस हल्का सा नमक मिर्च वगैरह मिला लेना और इसी तरह से मैं इनको फ्राई कर दूंगी सारों को। और ये देखो मैंने तल दिए हैं। और इसका ना मैंने एक छलनी ले ली थी, जो भगोनी पे ढकते हैं ना, वो छलनी ले ली थी, जिससे उसमें तेल एक्स्ट्रा था वो निकल गया। तो अब मैं इसको दूसरे पैन प्लेट में ही अब डाल दूंगी, और जिससे कि मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह सब चीज़ यहाँ पर भी मिला दूंगी अभी भी। तो अब मैं इसमें यही नमक को मिर्च वगैरह सब मिला दूँगी। देखिए इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं बचा है, बिल्कुल भी तेल हो थोड़ा बहुत जो भी तेल वो सब निकल जाएगा, ऐसे ही रख देती हूँ। तो इसमें और चेतन बीच में हाथ दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो सब्जी बनाने के लिए आ गई थी मैं यहाँ पे। तो सब्जी मैं यहाँ पे आलू की बना रही हूँ। तो बस तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है यहाँ पे, उसी कढ़ाई में, रिमाइंड नहीं करना, उसी कढ़ाई में जिसमें भी मैंने पोहे तले थे ना, उसी में ही मैंने तेल ले लिया था। और इसमें मैंने तेल डाल दिया था, और इसमें मैंने जीरा होने तेल होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया। सिर्फ यहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्जी बना रही थी, एक आलू की सब्जी बना रही थी बस। इसमें मैंने एक टमाटर लिया, उसे फ्राई कर दिया। और इसमें मसाले बस बेसिक मसाले डालूंगी, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूंगी इसमें, बहुत थोड़े से ही मसाले डालूंगी। इसमें मैंने हल्दी डाल दी है और मिर्च डाल दूंगी, बस एक दो ही मसाले डाल रही है इसमें, बस ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी इसमें। एक दो मसाले डाल के इसकी ही सब्जी बनाऊंगी। तो और नमक वगैरह डाला है, बस यही करा है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अच्छे से फ्राई कर दूंगी मैं इनको, अच्छे से मसाले को सेक लूंगी। कहता मसाला जितना ज़्यादा पक जाता है ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। तो मैं मसाले को अच्छे से सेक लूंगी। टमाटर हो गए, यहाँ पे मैंने एक आलू, यहाँ पे सिर्फ मैं एक आलू की सब्जी बना रही हूँ और एक आधा सा आलू और रखा है, और ये बॉयल आलू है वो कच्चा डाला था। इन दोनों की ही सब्जी बस मिक्स करके बनाऊंगी, ज़्यादा ना। और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, थोड़ी सी सब्जी बनानी थी मुझे ये, तो बस मैं इसलिए थोड़ी सी ही सब्जी बना रही थी मैं इसके। और ये थोड़ी देर में ये सब्जी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। बस इसमें जितना पानी चाहिए था उतना डाल दिया मैंने बस। अभी ना यहाँ पे ये पिज्जा लेके आए थे चेतन ने, अभी आधा पिज्जा खा लिया है, हाँ पीछे और खाली है ना आधा पिज्जा खा लिया था, आधा बच्चा मैं भूल गई थी इसको सूट करना। दो दो पिज्जा लेके आए थे, इन्होंने खा लिया, लेकिन मुझे एकदम याद आया मैंने कि इसको सूट तो कर लेती हूँ, तो मैंने इधर अभी सूट करा। तो ये पिज्जा लाए, आप लोग भी खा लीजिए पिज्जा, गर्मा गर्म पिज्जा है बिल्कुल चीज़ वाला, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो बस अब मैं इनको पिज्जा दे देती हूँ। चेतन खा रहा था, मैंने कहा चलो एक बार दिखा देती हूँ मैं इसको, तो मैं आपको दिखाने लग गई। तो आप लोग भी खा लीजिए, और वो देखो बंद करने में लग रहा है इसको, देखो डिब्बे को बंद कर रहा है। चलो आ गया और काम कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे ना चीला बनाने के लिए आ गई थी। यहाँ पे बस मैंने एक ही चीला बनाया है, एक या दो ही चीला बनाए हैं ज़्यादा, ये आटे का चीला है ये। मैंने ना आटा, एक कटोरी आटा ले लिया था और उसमें चीनी मिलाकर इसको पेस्ट बना लिया था, और उसको मैं घोल लिया। और मैंने इस पे गरम तवा करके इस पे थोड़ा सा रिफाइंड लगा के मैंने इसको सेक फैला दिया अच्छे से, तो ये सिक गया है। देखिए इसको मैंने अलट पलट के इसको मैं ऐसे ही सेकती चली जाऊंगी। मैंने बस एक या दो ही चीला बनाया इधर, ये वाला मीठा चीला है ये, तो इसलिए बनाया। एक बार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ, तो रोटी बनाने लग गई। तो बस तो ये मैंने ना यहाँ पे अपनी नई बेडशीट बिछाई है, ये गर्म वाली बेडशीट है, ये मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। आप लोग बताना ये कैसी है, मुझे तो बहुत सुंदर लगी थी। ये सिंगल बेड की है, तो आप लोग बताना, मेरे पास थी नहीं पहले, मैं डबल बेड की बिछाती थी, तो मेरी मम्मी ने अभी दी थी। मैं अभी ना आप लोगों से सॉरी कहती हूँ, मैं वहाँ की कोई वीडियो नहीं बनाई तो आप क्योंकि लोग मैं मुझे घर गई बताना कैसी थी है बीच में बेडशीट। एक दिन के लिए, तो वहाँ की कोई वीडियो नहीं बनाई। और तब यहाँ मेरी पे मैंने मम्मी ने सोफे मुझे की ये कवर वाली भी दी चेंज थी, कर दी बहुत है और ये आप रहा। लोग यार ये बताना गद्दी कैसी मैंने लगी, ना मुझे इसी तो के साथ अच्छी मैच लगी। खाती है ना, एक बार आप लोग इसलिए बताना। मैं और वाली यहाँ पर कवर इस मैंने पे लगा पूरा दी ये थी, हॉल दूसरे भी हैं सेट कर लेकिन वो दिया थोड़े है। से
तो मतलब बस डल से यहाँ हो रहे पे हैं, इसलिए है मैं इसे कोई हॉल लगा सेट देती कर हूँ। दिया अच्छी मैंने इसको, ना लगती है पलट ना, दिए थे आज तो आगे ये काम कर लेती वाले हूँ। कवर आगे से दोनों तरफ से बिछा लेते हैं इसको। मैंने पलट दिया, मैं दूसरे कमरे में आ गई, इस कमरे की दूसरे कमरे की सफाई करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। तो ये वाला भी बहुत सुंदर वाला है, कम्बल है, कम्बल ये गर्म बेड शीट है, इसको कम्बल भी बोल लो चाहे पतली वाले और गर्म बेड शीट, क्योंकि इनके साथ पिल्लो नहीं है और वह सिंगल ही है। तो मैं इसे इस भी झाड़ने के लिए यहाँ पर आ गई, पहले सारे को अच्छे से हटा दूंगी और फिर इसको कर लूंगी, चादर वगैरह सब बिछा दूंगी। करके मैं ना दूसरे वाले कमरे में आ गई, यहाँ पे मेरे कपड़ों की जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सारे मैंने पैक करके रख दिए और चादर वगैरह सब पैक कर दी, और जो दुल्हे वाले कपड़े थे मैंने चेंज कर दिए, और मैं अभी रेस्टिंग करने लग गई इस कमरे की। तो मैंने यहाँ पे रेस्टिंग कर दी, चेयर वगैरह करी, ये वाली चेयर ना बच्चों की है, स्टडी चेयर है, इसके चेयर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो बस ये यहाँ पे रखी, यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे आप लोगों से मैं कह रही थी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके वो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब नहीं करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को आप लोग पहले तो सब्सक्राइब कर देते हो फिर बाद में उसको अनसब्सक्राइब कर देते हो, यार ये तो कोई बात नहीं हुई आप लोगों की, पहले सब्सक्राइब कर देते हो फिर अनसब्सक्राइब। मैं भी तो लोगों के वही चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं ना झाड़ू लगाने लग गई आप लोगों से बात करने के बाद, तो मैं यहाँ की झाड़ू वगैरह सारी क्लीन कर, क्योंकि उस और फिर यहाँ पे बाहर आ गई थी इसकी, मैं यहाँ पे टेस्टिंग करूँगी। हॉल बेडशीट वगैरह तो मैंने सारी पहले चेंज कर दी थी, सोफे वगैरह सब साफ कर दी थी, इधर का रैक साफ करना था तो मैं इधर रैक साफ करने के लिए यहाँ पे आ गई इनकी। यहाँ पे भी मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी, तो सारा सामान जो इसका एक्स्ट्रा सामान था सारा हटा दिया है, तो मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी और टीवी वगैरह सब साफ कर दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करके झाड़ू लगा दूंगी मैं यहाँ पे। तो एवरीवन मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है बस पूछो मत। और यहाँ पे मैंने सर धोया था ना, इसलिए मैं यहाँ पे छत पर आ गई थी। और ये चेतन के पास है मेरा फ़ोन, ये चेतन ही वीडियो बना रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो धूप में थोड़ी देर के लिए आ गई थी, नीचे ना ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो
बस यहाँ पे और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है चेतन। और ये मेरी छत का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ इनका। चलो आज अपने छत का व्यू दिखा देती हूँ। ये मेरे घर के पीछे की बिल्डिंग वगैरह ये चीज़ बनी हुई है, तो यहाँ पे खाली प्लॉट वगैरह भी हैं। तो ये बस ये खाली है, और ये सामने दिख रहा है चेतन का स्कूल है। और ये जो दो दिख रही है हमारे यहाँ की पानी की टंकियाँ। और देखो ये बर्ड भी उड़ के गया है, कबूतर है उड़ के गया है एकदम। अभी कितना अच्छा लग रहा था ना, तो ये बस है। और यहाँ पर ये ना मार्केट है, ये जो ये दिखाई दे रही है ना ये मार्केट है, वैसी ऑफिशियल मार्केट है, वैसी मार्केट नहीं है, वैसी मार्केट जिससे थोड़ी सी दूरी पे ही है, पास में ही है, लेकिन यहाँ पे ये जैसे प्रॉपर्टी डीलर वगैरह इनकी, और ये यहाँ पे ये मॉल वगैरह सब बने हुए हैं। और ये लोगों की टंकियाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रही है, और ये चेतन चल रहा है, इसके पैर भी दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे बैठ गई है आराम से, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाती हूँ। तो गाइस मैंने आज ना सिर भी सिर धोया था, फ्राइडे है ना तो सिर धोया था, तो बस टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब साफ करके आई थी और सिर धोया था। मैं धूप में बैठी हूँ ना, और धूप में मेरे सिर सूख गया है, नहीं तो नीचे तो बिल्कुल नहीं सूखता, ठंड लगती। हाँ बस, और मेरा सारा काम हो गया है, खाना भी हो गया हमारा। खाना में मैंने आपको राजमे की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी, चावल नहीं बनाई। तो बस, और खाना पानी सब चीज़ सारा काम हो गया हमारा। तो अब बस धूप में बैठे, और मुस्कान की जरूर है, तो मुस्कान भी यहीं बैठी है धूप में। तो और मेरे चैनल पे जो कोई आए ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसे अनसब्सक्राइब ना करें। मैं देख नीचे कौन है, कोई भी नहीं था है ना। अनसब्सक्राइब ना करें जो भी कोई मेरे चैनल पे आए। अगर आप पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं पसंद आती है तो मत करिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद उसे अनसब्सक्राइब मत करिए। मैं आपसे बस यही कहना चाहती थी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसे अनसब्सक्राइब मत करिए। और बस मैं आप लोगों से अब यहाँ पे ही बाय कहूँगी, क्योंकि ये वीडियो ना रात से चल रही है, बहुत कल रात की चल रही है, बहुत बड़ी वीडियो होगी होगी, पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो गई है। तो मैं आपको अब यहीं पर ही बाय कहूँगी, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल मेरी वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना। अब मैं आपको यहीं पर ही बाय करती हूँ, बाय।